अक्सर हम वीडियोस में जिक्र करते हैं कि कैपिटल स्मार्ट से बिल्कुल एडजस्टमेंट डी एच नाइन ना होगा लेकिन आज से पहले आपने डी एच का मास्टर प्लान भी देखा होगा आपने आज से पहले डी एच की एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं देखी होगी और डी एच ए का एग्जैक्ट नाम भी नहीं पता होगा तो इस वीडियो में आपको मैं डी एच का प्रिसाइज नेम डी एच की प्रिसाइज लोकेशन और उसके साथ साथ उसका कैपिटल स्मार्ट से क्या ताल्लुक है वो एक्सप्लेन करूँगा ये थ्री मॉडल जो आप देख रहे हैं ये प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल हुआ है टू द एजेंट जनरल टू द आर्मी चीफ और जिस तरह बैट के कैपिटल स्मार्ट की मैनेजमेंट के और डी एच या डी एच सिटी की मैनेजमेंट को ये मास्टर प्लान प्रेजेंट किया गया था ये उस मास्टर प्लान पे वीडियो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा डी एच नाइन की लोकेशन कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन ओवरसीज वेस्ट ओवरसीज प्राइम टू या आने वाले दिनों में जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे उनकी लोकेशन एक्सप्लेन करूंगा टोटल अगर देखें तो इस मास्टर प्लान का जो टोटल एरिया बनता है दैट इज अराउंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव कनाल सवा, ला, सवा तीन लाख कनाल का ये टोटल शहर है जो कि न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहा होगा न्यू इस्लामा एयरपोर्ट की प्रीमिसिस हैं ये इससे बिल्कुल अडजस्टेंट है और ये चहान डैम की प्रेमिसज है अब ये जो आपको पूरा मास्टर प्लान नजर आ रहा है इसमें डी एच ए कहाँ पे है सबसे पहले कि कैपिटल स्मार्टी में थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दूँगा आपको कैपिटल स्मार्टी की जो आपने करंट मैप देखा होगा उसमें इस मैप में, में क्या डिफरेंस है पहले मैं वो एक्सप्लेन कर दूँ राइट नाउ कैपिटल स्मार्ट सिटी जो आपको देखने को मिलता है कैपिटल स्मार्ट सिटी आपका इंटरचेंज के ये लेफ्ट साइड वाले डिस्ट्रिक्ट विजिट किए होंगे आपने ये ओवरसीज ईस्ट है ये गोल्फ कोर्स है ये ओवरसीज़ प्राइम है उसके बाद यहाँ पे वो एग्जेक्टिव ब्लॉक है और यहाँ पे ओवरसीज सेंट्रल है इसके साथ साथ मोटरवे के ऑपोजिट साइड वाले डिस्ट्रिक्स का मोस्टली आपको पता नहीं होगा डी एच जिसका नाम होगा डी एच सिटी वो इस रेड डॉटेड लाइन में जो आपको मैप पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ मोस्टली मैप जो है सिर्फ डी का मैप इसमें क्लियर है और ओवरसीज़ वेस्ट का मैप क्लियर है जो मोटरवे की राइट right साइड है इस साइड का जो मैप है वो ब्लड है लेकिन आपको अंदाज़ा होगा जिन्होंने स्मार्टी को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा सारा एरिया क्योंकि जिस तरह हम स्मार्टी के साथ डे वन से लिंक्ड हैं तो इस तरह जो मेंबर्स यूट्यूब चैनल के साथ शुरू से लिंक्ड हैं उनको आइडिया होगा लेफ्ट साइड वाले पार्ट का तो उसमें एक्सप्लेनिशन में नहीं जाता अब मैं एक्सप्लेन करता तो हूं राइट साइड पर ये वो पॉइंट बनता है ये आपको गोल्फ कोर्स है गोल्फ कोर्स सामने यहाँ पर इंटरचेंज का पॉइंट है जहाँ से आपको ये एक्सेस अपोजिट साइड पर निकलती नजर आ रही है ये होगा ओवरसीज वेस्ट और ओवरसीज प्राइम टू की प्रेमिसज ये जो आपको प्रेमिसज नजर आ रही हैं ये सारी वो प्रेमिसज हैं और ये चार फुट का रोड जो है ये आगे लीड करेगा ये इस तरह से होते हुए ये इस पॉइंट को कनेक्ट करेगा ये जो आपको अपार्टमेंट का कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है ये बेसिकली कोई और स्मार्ट सिटी का डिस्ट्रिक्ट होगा ये जो आपको छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये भी स्मार्ट सिटी का रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट होगा और मेन बलेवर्ड पे हाई रेस्ट टावर्स होंगे और मोटरवे से साथ साथ एडजस्टेंट ये मोटरवे का है, ये ये मोटरवे का बेसिकली ये मोटरवे के साथ एडजस्टेंट जितनी प्रेमिस बनेंगी ये सारी की सारी ये मोटरवे बेसिकली ये वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा है ये थिन लाइन मोटरवे की आप वैल्यू चेक करें कि कैपिटल स्मार्टी के इंटरजेंस की वैल्यू और कैपिटल स्मार्टी के मेन रोड की वैल्यू कि मोटरवे की इतनी थिन लाइन है कि आपको अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी होती है कि मोटरवे कहाँ से गुजर रही है ये मोटरवे जो है सारी ये इसके साथ साथ सारा कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट आएगा जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास होगा मोटरवे के राइट साइड पे भी, भी और लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे पर यूनिवर्सिटी से आगाज़ हुआ है तो लेफ्ट साइड पे आगे जो चीज़ें बनेंगी वो भी बाद में आप देख लेंगे उसके साथ अब चलते हैं डी एच ए नाइन के प्रीमिसिस पे ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये सारी की सारी सिग्निफाई करती है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने डी एच ए नाइन की मैनेजमेंट को या डी एच ए गंधारा सिटी की डी एच ए आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट को जो लैंड्स पास ऑन की हैं ये वो लैंड्स बनती हैं और उन लैंड्स पे आने वाले दिनों में डी एच ए लॉन्च होगा तो ओवरऑल मास्टर प्लान को देखें अगर तो ये इंटरचेंज क्रॉस करने के बाद ये पॉइंट इंटरचेंज का और इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद आपने पूरा ओवरसीज वेस्ट क्रॉस करने के बाद डीएचए में आना है तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि डीएचए में अगर लट से जी किनाल का प्लॉट का रेट होता है फॉर एग्जांपल इन द लॉन्ग रन पाँच करोड़ का तो यहाँ पे होगा सात करोड़ का क्योंकि पहले लोकेशन आती है इंटरचेंज से साथ आती है यहाँ पे अगर डीएचए में रेट होगा तीन करोड़ का तो यहाँ होगा चार करोड़ का यहाँ अगर दो करोड़ का होगा तो यहाँ होगा तीन करोड़ का यहाँ आप डीएचए में कभी नहीं दिख होगा दो, कर, दो करोड़ का किनाल का प्लॉट क्योंकि डी में हमेशा प्लॉट्स की प्राइजेज हम ये स्मार्ट सिटी की बहुत स्मार्ट मूव है क्योंकि ये लैंड का पार्ट देने से स्मार्ट सिटी की ओवरऑल वैल्यू में एटलीस्ट सेवन टाइम्स टू तो एट टाइम्स प्रॉफिट में इजाफा होगा वैल्यू में इजाफा होगा इंटरचेंज होगा इंटरचेंज लेट्स से डी एच ई यहाँ पर लॉन्च ही रेट रखता है तीन करोड़ रुपया ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कोई बेवकूफ़ी होगा जो यहाँ पे आ कर तीन करोड़ का प्लॉट लेगा और यहाँ वाला प्लॉट होगा वो से डेढ़ करोड़ का छोड़ के चला जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी कॉमन सेंस के बंदे को ले मैन को भी बात समझ आती है कि यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी है डीएचए वाली प्रॉपर्टी अलट से चार करोड़ की तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पाँच करोड़ की हो तो वारे में है क्योंकि इंटरचेंज से डायरेक्ट एक्सेस है तो ये ओवरऑल मेरे ख्याल में मास्टर प्लान ये जो आपने देखा है विटनेस किया है इस मास्टर प्लान से आपको आइडिया मिल सकता है कि ओवरऑल डी कैपिटल स्मार्ट के साथ कितना क्लोजली इंटैक्ट होगा और इसका कितना पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा ये आने वाले दिनों में आपको नजर आ जाएगा कि बैक साइड पर एक ही सिटी के साथ ये आपको बैक साइड पर एयरपोर्ट भी नज़र आता है ये मेन मोटरवे भी नज़र आती है और तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको फ़िज़िकली इस वक्त ऑन ग्राउंड पर कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही हैं